हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि फाइलम प्लैटिहेलमिंथस को कॉमनली किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इनकी बॉडी चपटी होती है, जिस वजह से इन्हें फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि फाइलम प्लैटिहेलमिंथस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे इनके हैबिट एंड हैबिटेट क्या हैं। तो मोस्टली जो ये प्लैटिहेलमिंथस होते हैं, ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं जो कि एज अ पैरासाइट एनिमल्स की बॉडी में या ह्यूमन बींग के बॉडी में सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इंडो पैरासाइट। तो इंडो पैरासाइट क्या होता है? तो इंडो पैरासाइट यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे एक इक्टो पैरासाइट भी होता है। तो इक्टो पैरासाइट यानी ये वो सारे पैरासाइट्स जो कि अंदर नहीं रहते बॉडी के, होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि प्लैटिहेलमिंथस क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडो पैरासाइट का एग्जांपल हो जाएगा टीनिया, यानी कि टेपवॉर्म जिसे कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो फ्री स्विमिंग वाले थे। तो फ्री स्विमिंग यानी कि वो कहीं भी फ्रीली तैर सकते हैं, लेकिन फ्री लिविंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जिनको होस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं है। फ्री लिविंग यानी कि ये विदाउट होस्ट बॉडी अपना आराम से रह सकते हैं जिंदा। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया है यहाँ पे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लैटिहेलमिंथस में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री की। तो सिमेट्री अगर इनमें बात करें तो इनमें सिमेट्री होता है बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं। और अब बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहता है। तो याद रखना है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। तो चलिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे जर्म लेयर। तो अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो इनमें होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें तीनों के तीनों जर्म लेयर्स बन चुके रहते हैं। जो तीन जर्म लेयर्स है इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये यहाँ पे जर्म लेयर की बात होगी। अब हम बात करेंगे सेलोम की। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ए सेलोमेट। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी तो हमें पहले ही डिस्कस कर लिया हमने कि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, जिसकी वजह से इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। अब हम देखेंगे इनमें बाकी प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो देख लेते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो अगर एक्सक्रीशन प्रोसेस की बात करें तो इनमें होता है बहुत कुछ खास सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, या फ्लेम सेल्स को सेलोनोसाइट्स भी कहते हैं। और यही फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सिंपल इनके बॉडी वॉल से डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता है। अब बात करेंगे डाइजेशन की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होता है। और अगर बात करें कौन सा डाइजेशन होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इनमें है, और नर्वस सिस्टम देखने में कैसा लगता है? लैडर लाइक, यानी कि एक सीढ़ी की तरह इनका नर्वस सिस्टम दिखता है। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, कि प्लैटिहेलमिंथस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होगा कि ये पहले तो ये जितने एनिमल्स हैं इनमें प्लैटिहेलमिंथस में, वो सारे के क्या होते हैं, वो हर्मोप्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होंगे। लेकिन एक यहाँ पे एग्जांपल है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, वो एग्जांपल भी मैं बताऊँगी। याद रखना है कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही होता है। एग्जांपल जैसे कि टेपवॉर्म हो गया। लेकिन यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखना है, यूनिसेक्सुअल कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, सिस्टोसोमा। तो ये आपको याद रखना है कि जिसे कि ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमेट क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल होता है, मतलब कि अंदर होता है बॉडी के। अब डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं प्लेटीहेलमिंथस में। हम बात करेंगे यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लेनेरिया हो गया। तो ये प्लेनेरिया के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनके अंदर। रीजनरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को ये। और कैसे करेंगे, ये परफॉर्म करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कैसे हो गया, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। यहाँ पे होता है कि अगर मान लेते हैं ये प्लेनेरिया का बॉडी है, तो इनकी बॉडी इस तरीके से क्या होगी, अगर कट होती है तो यहाँ पे दोनों पार्ट क्या होंगे कि एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो याद रखना है कि ये प्लेनेरिया के अंदर होता है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है और वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करके अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं टीनिया, जिसे कि टेपवॉर्म कहते हैं, और फेसियोला, जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, एंड प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया एक लिविंग फ्री लिविंग फॉर्म है। और बाकी जो दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे टीनिया और फेसियोला, ये दोनों क्या हैं, पैरासिटिक फॉर्म है। याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो टीनिया और फेसियोला हैं ये दोनों होते हैं डाइजेनिक। अब डाइजेनिक का मतलब क्या हुआ कि इनको चाहिए दो होस्ट, दो होस्ट के बिना इनका लाइफ कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए डाइजेनिक होते हैं। तो यहाँ पे मैं होस्ट भी बताऊँगी टेनिया के लिए कौन से दो होस्ट चाहिए। तो एक तो चाहिए इन्हें ह्यूमन और दूसरा होता है पिक। तो इन दोनों होस्ट की मदद से इनका लाइफ कंप्लीट होगा और लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। और फेसियोला को चाहिए शिप एंड स्नेल। तो दो होस्ट की मदद से इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों होस्ट मैंने बता दिया आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि जो ये पैरासिटिक फॉर्म है प्लेटीहेलमिंथस के, इनकी बॉडी में कुछ अलग से एडेप्टेशन देखने को मिलता है, मतलब कि कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनके अंदर, क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए देख लेते हैं। तो जितने भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं प्लेटीहेलमिंथस के, इनके अंदर क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स होते हैं। ये हुक्स एंड सकर्स क्या करते हैं तो देखते हैं। जो हुक्स होते हैं ये क्या करते हैं, पैरासाइट को होस्ट बॉडी से अटैच होने में हेल्प करते हैं, यानी कि होस्ट बॉडी से जुड़ने में, अटैच होने में हेल्प कर रहे हैं। और सकर्स क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन होस्ट बॉडी से लेने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना है कि हुक्स क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से अटैच कर रहे हैं, और सकर्स क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं होस्ट बॉडी से वो पैरासाइट्स को लेने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। कुछ और हम देख लेते हैं इनका बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशन है। तो नेक्स्ट तो ये है कि इनके जो बॉडी वॉल है पैरासिटिक एनिमल्स के, उनमें एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जिसे टेगुमेंट कहा जाता है। और ये जो टेगुमेंट है ये क्या करता है, पैरासाइट्स को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है इनको, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो और ये आराम से सर्वाइव कर सकें होस्ट बॉडी के अंदर। तो याद रखिएगा कि पैरासिटिक एनिमल्स के बॉडी वॉल पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है जिसे टेगुमेंट कहा जाता है, और ये टेगुमेंट इन पैरासाइट्स को होस्ट बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो ये पैरासाइट्स होस्ट बॉडी के अंदर जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे इनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये उस जगह पे क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक इनका एडेप्टेशन हो गया पैरासिटिक फॉर्म का। एंड लास्ट वन हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव जो ट्रैक है इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स होस्ट के बॉडी से ले लेते हैं, यानी कि जो फूड एंटर करता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। एंड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस से डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स होस्ट के बॉडी से ले लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि पैरासिटिक जो फॉर्म है प्लेटीहेलमिंथस में, उनमें क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो
तो यहाँ पे इस तरीके से प्लेटिहेल्मिन्थेस पूरा कंप्लीट हुआ। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हमने पैरास्टिक फॉर्म के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।